गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? और आशा करती हूँ आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। वेरी गुड मॉर्निंग आप सभी को। सुबह का टाइम है, ब्रश कर रही थी मैं। मैंने सोचा ब्लॉग शुरू नहीं किया है, लेट स्टार्ट द ब्लॉग। और यहाँ पे मेरा पानी भर रहा है और उनको मैडम है, देखो वो बाथरूम में बैठने की सारा चीज़ होगा। अरे बिल्लू का नहलाने वाला है, तो चलिए गुल्लू को नहलाती हूँ, खुद नहाती हूँ और फिर उसके बाद आपसे मिलती हूँ। रूम अभी थोड़ा सा समेटना बाकी है, यहाँ पे कपड़े अभी भी बचे हुए हैं, कल फिर धोए थे। ब्रश करूँ, काम करूँ, उसके बाद बनाना है नाश्ता, क्योंकि आज जाना है बंसल जी को जल्दी। और आज तो हम लेट ही हो गए हैं, फटाफट कर लेती हूँ काम, ठीक है ना? फिर आपसे मिलती हूँ। नहाने धोने का काम हो चुका है कंप्लीट। नीचे तो मैंने अपनी पैंट्स पहनी दी है और ऊपर अभी टी शर्ट पहन ली, क्योंकि खाना बनाती हूँ ना तो सारी गंदी हो जाती है। और ये मैंने लिया है दूध और पनीर, और पनीर की बंसल जी ने गाय की भुर्जी बना दो, तो बन रही है पनीर की भुर्जी। और साथ के साथ मैं करूँगी गुल्लू की बॉटल वगैरह जो भी होती है वो मैं एक बार और बॉइल कर लूँगी, क्योंकि रात को उसको दूध पिलाती हूँ ना, तो सुबह मुझे एक बार बॉटल बॉयल करनी होती है। और ये मैंने जो है मखाने पीस के रखे हुए हैं, क्योंकि रात को रोज़ मैं मखाने वाला दूध पी रही हूँ। आजकल नींद भी अच्छी आती है और जो भूख की क्रेविंग होती है ना वो भी ख़त्म हो जाती है। तो ये चाची ने आइडिया अच्छा बताया था कि सोनिका देखो भूख लगती है रात को, तो सबसे अच्छी चीज़ है तू ये कर लिया कर। दोनों पार्सल मेरे रेडी हैं, ये आज कोरियर के लिए जाने हैं। ओके जी, मेरा मैंगो शेक है तैयार। अब इसके अंदर डालेंगे थोड़े से नट्स, और ये केला रखा है, ये मैं गुल्लू के लिए बनाऊंगी, इसके लिए बनाना शेक। इसके अंदर मैंने डाले हैं काजू, और डालूंगी थोड़े से बादाम। ये है बंसल जी का मैंगो शेक, और मैंने अपने में कुछ नहीं डाला है, खुल गया भाई। डब्बे देखो, एंजॉय। गाइस मैं हो चुकी हूँ रेडी, किचन सारी सॉर्टेड हो गई है और लाइट बंद करते हैं। चार बार तो यार मैं गुल्लू को तैयार कर चुकी हूँ, कभी गुल्लू कुछ करती है, कभी गुल्लू कुछ करती है। देखो एक दो बार सुसू कर लिया, दो बार पॉटी कर ली, उसी को समेटने में लग जाओ। आज तो समेटा है, अब इसका बैग पैक किया, क्योंकि एक मुझे कोरियर दे के आनी है और दीक्षा से मुझे कुछ काम है तो मुझे वो कम्प्लीट करके आना है। खाना मैंने अपना भी पैक किया है, क्योंकि फिर वो ना वेस्ट चला जाता है और फिर अच्छा नहीं होता वेस्ट करना। तो बस अब जा रही हूँ घर पे फिलहाल, और सारे काम करूँगी। इसकी सुन लो, देख रहे हो नौटंकी है इसकी, सारा दिन इसकी नौटंकी ऐसे जल्दी है, मेरी बहन बसती है। चलो क्योंकि इस गुल्लू को लेके जाऊंगी तो इसलिए हो पाएगा, पानी पी रही हूँ, फिर आपको वहीं पे मिलती हूँ सीधा। नीचे उतरे और जोर से हो रही थी बारिश, हमने ध्यान ही नहीं दिया था, अब बचते बचाते थोड़ा यहाँ तक तो आए हैं। और अब ये देखो यहाँ पे तेज बारिश हो गई है, और गुल्लू और मैं यहाँ पे किसी के घर के बाहर बैठ गए हैं, है ना? और मासी को फ़ोन किया प्रिया को कि आ जा भाई हमें ले जाओ, क्योंकि मैं तो गीली हो जाऊंगी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन गुल्लू गीली हो जाएगी तो यार फ़र्क पड़ता है, सारी गीली हो जाएगी क्योंकि बारिश जो है बहुत तेज़ आपको दिखा देती। टिप टिप बरसा पानी, पानी में आग लगी। देखो अनाई तो मासी लेने आ रही है, देख सामने से मासी आ गई। दीक्षा जब उठे बहन ने इसको तब प्यार कर लिया, तब ये काबू में नहीं आती, अभी मैं उसको सब प्यार कर लूं फिर उठ जाएगी। फ्रेंड्स क्या होता है, ये उठ जाती है ना तो भागती है, फिर चिल्लाती है, रोती है, इसलिए मैं सोच मैंने इसको कहा सोनिका को, मैंने कहा बहन अभी सो रही है, अब तू मुझे दे दे, मैं थोड़ा सा प्यार कर लूं इससे। सोते सोते इससे प्यार कर लेगी, जब उठ जाएगी बहन इसको ले ले, काटती है बहन, डर लगता है बहन इसको ले ले। बहन एक बात बता,
तू पता ही है अब क्या करती है, वो काम वाली थी ना, वो उसके साथ वो पोछा लगाती है उसके पीछे पीछे। और चाची दीक्षा क्या करती थी? दीक्षा जो पोछा लगाती थी पीठ पे बैठ जाती थी। बताओ, ये उसकी पीठ पे बैठ जाती थी कि उसका पोछा नहीं लगाने देती। हमारे सारे घर के बच्चे एक जैसे ही हैं। मेरा पारा बेबी है। रिक्शा छोड़ दे इसको, सोने दे बहन। मैं नहीं बहन, फिर उठी फिर तो प्यार करने नहीं देती है। अब बड़ी हो गई तो अभी कर ले। इतनी सी थी जब हम इसको लाए थे, इतनी सही में इतनी सी थी, और अब देखो अब तो भागती है। सही है। फ्रेंड्स, खाना भी अपने घर से बना के लाना पड़ता है। रोज रोज किसी के घर आओ तो खाना ना मिले, इससे बेटर है अपने घर से बना लो। मेरे घर पे वेस्ट जाता है ना, इसलिए फिर मेरा पति मुझे सुनाता है। मस्त लग रहे हो ना इस आउटफिट पे। हाँ, इस पे अच्छे लग रहे हैं क्रोक्स। मम्मी देखो, है ना? चलो भाई अपना लंच करते हैं। पर बस वाइट तो गंदे का चक्कर है। अरे धुल जाएगा, ब्रश मार दियो बाहर साफ। अम्मा की चाय। अम्मा ये लो चाय 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 लो, आधा कप। मैं तो ऊपर थोड़ी गई हूँ, मैं तो नीचे से बना के लाई हूँ। दीक्षा पेठे की मिठाई है के? पूछ तू, होगी तो ला रही हूँ। नानी के पास बैठ के कर रही है एंजॉय। अम्मा भतेरे धरे ऊपर खिलौने, ले रहे कोनी, रसोई के बर्तन चाहिए इसको। सारे रसोई के बर्तन चाहिए। बाल्टी पतीली छोटे छोटे बोतले रख, आज शाम में एक धुआंगी। ओए पुण्य मार दिले, पुण्य ले जाने बाबा। सो वो आदि मीनू ले, मैं टोकरी ले लूं मैं। देखो भागी भाग, एक लू नहीं। नो बेटा, मैंडकी ये वो ये फूट जाए का उस टाइम में नुआ कर दी थी, अब तेरे मुंह में फूट नहीं मैं। आज चल उस टाइम कर दी थी इन्हें नुआ को जा दे रहा मेरा बोबड़ा कुछ करा। मासी खींच लो, पकड़ ले, अरे सर फूटेगा ना। चाय पानी सब कुछ हो चुका है, और इस लड़की ने जो जीना हराम कर रखा है, जो इसने जो जीना हराम कर रखा है, ना खाने देती ना रहने देती ना पीने देती, कुछ नहीं करने देती है। हमारा प्यारा सा गोयल फैमिली का, बंसल फैमिली का, देख रहे हो? फिर ऐसे कहेगी जैसे कितनी मासूम हूँ मैं। सब देखते हैं, और आप सबसे बड़े हो इस घर में। बड़े हो? हाँ। मतलब बड़ी सिस्टर, बिग सिस्टर हो आप सब। तब भी ऐसे करते हो। हेलो बोल दे, राम राधे राधे कर दे, राधे 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 राधे। फोन बज गया। तू जाएगा? जाएगा बेटा? अब हम जा रहे हैं कीर्ति नगर, और मैं जा रही हूँ नकुल के साथ, क्योंकि इसको लेना है, क्या लेना है तुम्हें? सोफा कम बेड? दीवान कम बेड लेना है, क्योंकि बहन बेटियाँ आती है, तो ये कह रहा है कि बहन आपको नीचे सोना पड़ता है, तो मैं आपके लिए जो है दीवान कम बेड ले लेता हूँ। मैंने कहा चलो, भाई इतना सोच रहा है, पर पेमेंट मैं दे रही हूँ, लेने वो जा रहा है, तो चलो भाई को दिला ही लाते हैं, कोई बात नहीं। गाइस अब हम चल गए हैं कीर्ति नगर मार्केट। कीर्ति नगर मार्केट जो है वो एक फर्नीचर मार्केट है, और बहुत ही अच्छी मार्केट है। वहाँ पे आपको सारा फर्नीचर जो है वो बहुत ही अच्छे प्राइस पे, रीजनेबल प्राइस पे मिलता है, तो देख लेते हैं। तो गाइस हम ये रेड लाइट पे रुके हैं, देख लो इनको कैसे हरकतें करने लग रही हैं। चाची ऐसे मुंह मत छुपाओ, तुमने कुछ गलत काम किया है। तो गाइस ये यहाँ से जो है ये कीर्ति नगर मार्केट जो है ये शुरुआत होती है। ये बाहर के जो मॉल्स वगैरह है ये वो है। अभी थोड़ी सी और आगे चलते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ कहाँ से इसकी मेन एंट्री जो है वो कहाँ से एंट्री है। आगे से है इसकी मेन एंट्री। इस वाली मार्केट में ये सब झूले वगैरह हैं, और
ये है सैनदास अग्रवाल जी, फर्नीचर का है ये, नरसंस फर्नीचर। और हम कहाँ जाएंगे आपको ये भी दिखाएंगे कि हम कहाँ जाएंगे। शायद बहुत ज़्यादा शोर आ रहा होगा आपको, मेरी आवाज़ में थोड़ी सी लग रहा होगा, बट मैंने कहा सोचा कि चलो आपको एक बार मार्केट के दर्शन करा दी जाए। बस आगे से लेफ्ट में सारी मार्केट स्टार्ट है। लेट मी चेक, ये देखिए अब यहाँ से यस ये देखो यहाँ पे भी झूले लगे हुए हैं। मेरा बड़ा मन है गुल्लू के लिए लेने का, बट ये तो गुल्लू के लिए बहुत बड़े हैं। देखिए ये यहाँ से जो है ये मेन मार्केट जो है ये यहाँ से स्टार्ट होती है मेन मार्केट। ये देखिए लेफ्ट में और राइट में सारे के सारी मार्केट है, और इस मार्केट में अंदर ही अंदर काफ़ी सारी फर्नीचर है। यहाँ पे भी बहुत सारी मार्केट है लेफ्ट राइट में, और चाची हमारे आगे जा रही है। ये देखिए इस वाली गली में था जो आप पीछे अभी गई है, ये देखिए गुड़ी का सारा सामान यहाँ पे। पहुंच चुके हैं मार्केट में, अब देखते हैं हम शॉप में कौन सी पे एंट्री करते हैं। चलो देखते हैं, अब तो स्कूटी लगा दी है ना, अब फ्री है, स्कूटियों पे नहीं घूमा जाएगा। चाची ऐसे आज आपने चाय भी नहीं पिलाई मुझे। गाइस ये देखिए मैं हम लोग आए हैं यहाँ पे, कितना अच्छा सोफा है, मुझे सोफा बहुत पसंद आया, ग्रीन कलर का है। फाइनली हमने ये वाला पसंद किया है दीवान कम बेड में, और अब हम जा रहे हैं। चलो बेचारी चाची थक गई थी, चलो चाची चलो कब आएगा, हफ्ते बाद। इस फाइनली हम लोग कीर्ति नगर से घूम घाम के सामान लेके आ गए हैं घर पे। आके मैंने मुंह हाथ धो लिया, कपड़े वपड़े सब चेंज कर लिए हैं, और अब देखती हूँ डिनर में क्या बनाना है। बंसल जी भी आ चुके हैं, उनके पास चाबी थी ऑलरेडी, तो बस अब देखते हैं, नहीं तो ये ब्लॉग यहीं पर एंड करते हैं, बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ। गुल्लू अभी वहीं पर ही है, भाई ने मुझे यहीं पर डायरेक्टली छोड़ दिया था, और बस अब गुल्लू आ जाए फिर उसके बाद सोएंगे।